amme amme badarayo babaro bhai bahin ro ekase ekase jitna naam bina bhala ekase jitna naam bina hai re hai re भूती मोर कति गान छुट्टी निहुरे निहुरे डंडा टूटी रे भूती मोर कति गान छुट्टी हे समरो बह गई पीपर तर नदिया हे समरो बह गई पीपर तर नदिया हे समरो ओही पार सैया मोरा घोड़ा कुदावे ओही पार सैया मोरा घोड़ा कुदावे किए समरो कोड़ो लगाए मोरे अंगिया ए समरो महादेवा नगेंद्र राय त्रिलोचनाय भस्मा रंगाए महेश्वराय नित्याशुद्याय दिगंबराय तस्मे कराए नमः नमस्कार, स्वागत है आपका द टैलेंटेड इंडिया टॉक शो में। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज लोक गीतों से निकलकर बॉलीवुड के गलियारों तक पहुंची। और निश्चित रूप से मेघा श्रीराम डाल्टन ये एक ऐसा नाम है जो एक अपनी अलग गायकी के लिए, अपने एक अलग अंदाज के लिए आज बॉलीवुड जगत में जाना जाता है। मैं बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले मैं बस यही जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में जिस तरह से आपका नाम है और खासकर शिवाय फिल्म के बाद लोग जिस तरह से जानने लगे हैं, निश्चित रूप से लोगों में इस बात की भी जिज्ञासा है कि मेघा श्रीराम डाल्टन जो है वो असल जिंदगी में क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे बॉलीवुड तक आपका जो सफर है वो पहुंचा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी, एक्चुअली गाना मैंने उम्र के 11वें साल से शुरू किया था और मेरी माता जी चाहती थी कि मैं गाऊं और मुझे भी लगा कि पढ़ाई से बचने के लिए गाना एक अच्छा माध्यम है। वैसे पढ़ने में भी अच्छी थी और संगीत उतना पसंद नहीं था, पर उस्ताद जो सिखाने वाले मेरे उस्ताद थे स्वर्गीय अली अहमद जी, पीट के सिखाते थे तो मुझे उतना भी कुछ इंटरेस्ट नहीं था। पर 12वीं फेल हो गई और जीवन में अंधेरा हो गया कि अब क्या करूँगी, पढ़ने में अच्छी थी मैं तो फिर वापस वो संगीत ऑलरेडी चल ही रहा था मेरा, उसको लेकर फोकस्ड हो गई और मैंने BHU से संगीत सीखा, BMUS किया वहाँ से। और उसी दौरान उसके पहले मैं श्रीराम से मिली थी, उन्होंने ही मुझे BHU के बारे में बताया था और फिर मुझे लगा कि अच्छा एक रास्ता दिखने लगा जीवन में कि अच्छा 12वीं फेल हुई तो कोई बात नहीं, कुछ अलग रास्ता चुना जो मैं सीख रही थी, जिसे मैं उतना सपोर्टिव ही मानती थी, करियर तो मानती नहीं थी। और करियर नाम की भी चीज़ होती है महिलाओं में, वो भी मुझे वहीं जाके पता चला कि हम करियर ओरिएंटेड भी होना चाहिए और हमने संगीत को चुना था। और उसके बाद वो बनारस में मैंने BMUS सीखा और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर रिसर्च किया भारत सरकार के द्वारा HRD से। और उसके बाद वो सिलसिला बम्बई तक आ गया और बम्बई आई और यहाँ पे मैंने मनीष झा की फिल्म अनवर में गाया और कुछ एक जगह पे गाया। और मैंने देखा बम्बई में कि इतना, इनफैक्ट स्ट्रगल हर जगह है पर बम्बई में भी हमारे तरह के तमाम कलाकार हैं और बम्बई जो भी आता है, मुंबई जो भी आता है, वो सब टैलेंटेड होते हैं, किसी में कुछ कमी नहीं होता, पर वो लगातार प्रयासरत रहने की बात है। और मैंने सिनेमा में ज़्यादा कोशिश नहीं किया, उसके बाद मैंने हिंदी थिएटर काफ़ी कुछ किया, तकरीबन 10-12 नाटक किए मैंने अलग अलग लोगों के साथ। और
मेरे जीवन में ये था कि मैं गा तो रही हूँ, शास्त्रीय भी सीखा है, पर रुझान मेरा फोक में था कि मैं जीवन में गाऊं क्या। सबने अपनी अपनी जगह बनाई है, मुझे लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अंततः हम दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए। और इसी दौरान में मुझे कोक स्टूडियो गाने का मौका मिला, और वहाँ पे मैं और शंकर महादेवन जी, खोगेंदा और कुछ गाने का हमारा एक स्लॉट था, एपिसोड 2 था, लेकिन मैं उनके साथ उतना फ्रीली नहीं गा पा रही थी, क्योंकि जितना शंकर महादेवन जी का अनुभव है साउंड और वो टेक्निक को लेकर, मेरा अनुभव नहीं था। मैं तो थोड़ा ही गाई थी, 2-1 गाने सिनेमा में, उसके बाद थिएटर गा रही थी, और थिएटर बहुत ओपन होता है, थिएटर और माइक में गाना दोनों दो चीज़ है, तो मैं मैच नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि बीच में लगा कि अच्छा मैं तो कोक स्टूडियो नहीं गा पाऊँगी, पर फिर उसी वक्त जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि आप अपने गाँव की कुछ चीज़ें गाओ। फिर मैंने इंस्टिंक्ट जब गाया तो फिर शंकर जी ने भी मुझे हक कर लिया, और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मुझे गाना तो ये था, मतलब जो उम्र के 11वें साल से गाते गाते, मैं 33 वर्ष की थी उस समय, तो उस दौरान मुझे लगा कि अच्छा मुझे तो यही गाना था। और 2011 के मंच पे, कोक स्टूडियो वाले जगह पे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं तो अपने झारखंड के लोक संगीत के लिए बनी हूँ। और उस समय से लेकर अभी तक मैंने हर मंच पे अपने झारखंड के लोकगीतों को गाया है, और इसी दौरान कुछ एक हिंदी गीत भी गाए, जिसमें एक शिवाय है, जिसने मुझे, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अजय देवगन जी का और पूरी टीम का, म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे गाने का मौका दिया। मैम, जहाँ तक शिवाय की बात है, वो टाइटल ट्रैक जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे शिवतांडव स्त्रोत के मंत्र हैं, और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक गहरा कनेक्शन जिसका शिवजी से हो वो उस चीज को बहुत अच्छे से निभा सकता है। शंकर जी के साथ क्या कनेक्शन है, और शिवाय का जब ये ट्रैक रिकॉर्ड किया तब क्या चल रहा था जहन में? अरे वाह, एक्चुअली मेरी माता जी है वो बहुत शंकर भक्त है, और हमारे यहाँ एक त्यौहार है तीज, उसमें पूरी रात महिलाओं को जग के गाना होता है, तो मेरी माता जी का यही लालच था हम दोनों बहनों को गाना सिखाने के लिए, कि ये लोग सीख जाएंगी तो रात भर गाना गा सकती हैं शंकर जी का, और हमें इसलिए सिखाया गया। तो मुझे भी माँ के साथ, मुझे भी जो शंकर था उसे प्रेम हो गया था, मुझे बड़ा पसंद था, ऐसा मूर्ति नहीं और वो शिवलिंग नहीं या उनका वो जो भी पहनावा है वो सब नहीं, उनका जो वो सोच है ना, शंकर अपने आप में बड़ा ही सहज शब्द है, बहुत ही जो एकदम सहज है, जो बहुत मीठा है, वो कैसा भी है, वो भोला सा है, वो आपको माफ़ कर देता है, और वो एक बेहतरीन सोच है। और मुझे जब मिथुन जी ने इस गाने को गाने के लिए बुलाया तो मैं भी एकदम, मतलब मैं सकेते में आ गई कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे गाना, बहुतों को तो मैं पहचान भी नहीं रही थी। और गाते वक्त मैंने अपने जीवन में समझा है कि मुझे ग्रैटिट्यूड रिपे करना है, और शंकर कहीं ना कहीं मेरे पूर्वज हैं, वो मेरे क्रोमोजोम में है, मैं तो ऐसा मानती हूँ, मेरे मूर्ति में नहीं, मैं पूजा घर में नहीं, मैं उन्हें कहीं त्र्यंबकेश्वर में नहीं खोजती हूँ, शंकर को मैं एक विचार समझती हूँ, कि हम लोगों के बीच में आज जो माहौल है वहाँ पे शंकर का होना, हर व्यक्ति में उसके विचार का होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे उस अल्लाह मियाँ के नाम से ले, चाहे जीजस के नाम से ले, या जिसके भी नाम से ले, वो विचार है जो आपको लगातार आदमी के प्रति आदमीयता से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे मौका मिला था, और मैं गाते वक्त केवल ग्रैटिट्यूड था कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, और आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मैं धन्यवाद देती हूँ और देती रहूँगी कि मुझे आपको गाने का मौका मिला। और जाने अनजाने मैंने जो स्रोत जो मुझसे गवाया गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो पंचाक्षर स्रोत है जो मैंने गाया, जो मुझे गाने के बाद पता चला, तो सच में मतलब मुझे लगता है कि वो आजीवन ताउम्र जब तक यूनिवर्स है वो बसता रहेगा। मैम, लोक गीतों की हम बात करें, आप लोक गायिका रही हैं और निश्चित रूप से आपका ज्यादा झुकाव उस ओर है। आज एक ऐसा दौर है जब लोक गीतों की आवाज कहीं ना कहीं धीमी हो रही है, कम हो रही है, चाहे सुनने वाले हो या गाने वाले हो, दोनों ही तरफ से लोक गीतों को लेकर क्या सोचती हैं, और आज के दौर में लोकगीत कितने जरूरी हैं? लोकगीतों की बात करें तो बहुत तेजी से चल रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ, पर वो जो कंटेंट वाइज चल रहा है ना, और जिस तरीके से लोग उसको परोस रहे हैं या जिस तरीके से उसे ले रहे हैं, वो हमने उसे बड़ा ही सस्ताओ, बिकाओ और
द्विअर्थी नहीं, 12 अर्थी गाने बन गए हैं वो, कुछ पोस्टमार्टम कर दिया है इनफैक्ट. जब मैंने उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को सुना था और सीखा था रिसर्च करने के दौरान, इसमें जीवन के शुरुआत से लेकर मृत्यु तक के गीत हैं, और वो गाने क्यों बने इसको भी पढ़ा हमने. शुरुआत करते जैसे यात्रा गीत से, पहले लोग कहीं जाते थे किसी देवी धर्म या किसी यात्रा पे तीर्थ पे, तो किसी की शिकायत ना करे इसलिए यात्रा गीत बना, वो पूरे रास्ते भगवान के गाने जाते ताकि कोई स्लैंडर ना करे, किसी को डिस्परेज ना करे. उसके बाद वो खेत में काम करते तो रोपनी सोहनी, बच्चा पैदा हुआ है तो सोहर हुआ, अच्छा थोड़ा मंगल गीत हो रहा है, बच्चे का जनेऊ है तो संस्कार गीत हो रहा है, अच्छा ब्याह है तो फिर आपको वो भी संस्कार में ही आ गया. ऋतु गीत, मौसम चल रहे हैं, धन कटाई चल रहा है, अच्छा रोपनी है सोहनी है, अच्छा कजरी है तो भी गीत है. मतलब हर बात में गीत है, दुख भी है, पति कमाने चला गया है तो आप भी उस समय भी गीत गा रहे हैं, आप क्या है? पलायन के गीत हैं. तो ऐसे करके गीतों का बाजार था, और उनके जो लिरिक्स हैं खास करके लोक संगीत के, वो ऐसे लिरिक्स हैं जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, और वो इतने स्वतः स्फूर्त हैं कि उनपे धुने भी चिपकाने की जरूरत नहीं, बड़ा वो एक दूसरे से तारतम्य है, और वो इतने सच्चे लिरिक्स हैं कि वो कभी नहीं मरेंगे. इसलिए शायद हम बरसों से उन गानों को सुन रहे हैं, और यकीन मानिए वो गाने विलुप्त नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोग होंगे जो इसको ढकेलते लेते आएंगे, जिसमें मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिले कि मैं ऐसा जिम्मा उठा के चलूँ. लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इस बात को समझी हूँ कि लोकगीतों को अगर मैं नहीं लेकर जाऊँगी तो कोई और नहीं लेके जाएगा, और बम्बई में अगर मैं हूँ, मुंबई में, तो एक बड़ा मंच है, मुझे लोग थोड़े जानते हैं, थोड़ा कमर्शियल होने की वजह से और मुंबई रहने की वजह से, तो अगर मुझे ऑब्वियस है कि उनके गांव देहात वालों से थोड़ा ज़्यादा मौका है, थोड़ा बृहद ऑडियंस है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इसे आगे ले जाऊँ और लोगों को दूँ. मैम, मुंबई का आपने जिक्र किया है, ऐसी इंडस्ट्री जो ग्लैमर अपनी चकाचौंध के लिए जानी जाती है, मुंबई और बॉलीवुड में खासकर इन दिनों एक अभियान चल रहा है, महिलाएं आगे निकलकर अपनी आवाज उठा रही हैं #MeToo के जरिए. ये जो अभियान है, और जिस तरह से अब लगातार इस अभियान से ज्यादा महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, आप क्या विचार रखती हैं, और जिस तरह से घटनाएं होती हैं कई सालों बाद फिर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं, क्या मानना है आपका अभियान की सफलता को लेकर? जी, ये मैं उन तमाम महिलाओं को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनके हिम्मत की दाद देती हूँ. आपको मैं सच बता रही हूँ, करेजियस होना आसान बात नहीं है, हिम्मती होना आसान बात नहीं है, और आप जब अपने जीवन का कुछ ऐसा सच रखते हैं जो कि हिला देता है लोगों को, आगे वाले व्यक्ति का भी जीवन प्रभावित होता है, तो वाकई ये बहुत ही काबिल तारीफ प्रक्रिया है. और ये जो मीटू चल रहा है, मैं भी उसके साथ खड़ी हूँ. पर एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम शहरी महिलाओं को, या हम महिलाओं को, या हम लोगों को लगता है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं और बड़ा ये हो गया है और चीज़ें बदल गई हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, तो उसके कहीं ना कहीं हम उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत ही वो हालात के हिसाब से चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के भी पेश करते हैं. हम दोनों पक्ष को सुनते समझते नहीं हैं, हम अपनी अपनी बात रखते हैं. हमें अगर किसी बात को लेकर विरोध है तो जिससे विरोध है हमें उससे बात करने की ज़रूरत है. मैं कहती हूँ कि अगर मुझे आपसे संबंध में, मेरे आपके और मेरे संबंध ताल्लुकात ख़राब हैं, और मैं आपकी बजाय आपके कैमरामैन से बात करूँगी कि मेरे और उनके संबंध खराब हैं, तो वो आजीवन, इनफैक्ट मेरे जनरेशन जनरेशन में भी मेरे आपके संबंध सुधरेंगे नहीं. तो मेरा ये कहना है कि मीटू का जो कंसर्न है वो अच्छा, विरोध का विरोध करें, विरोध को और प्रतिशोध करें. ये जितना भी मामला, या विरोध किया, विरोध करने के जगह पे आप चुप हो जाते कि हटाओ यार. तो ये जो जितने भी जो मसले हैं ना, ये दमन है, विरोध का विरोध करना फिर प्रतिशोध करना. एक्चुअली विरोध इक्वल टू विजय होगा ना. अगर जो मीटू कैंपेन है, विरोध इक्वल टू अगर कंपैशन कर देंगे ना मीटू की जगह पे, जो भी मसला है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन चलिए मैं आपको माफ करती हूँ, मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन अगर उसमें कंपैशन करते हैं ना, मतलब मैं कह रही हूँ कि आज ये प्रॉब्लम हमारे बीच में केवल इसीलिए है क्योंकि
मेरे आपके ताल्लुकात इसलिए मीटू के के टुकड़े में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने मानव को समझा ही नहीं है. मैंने दुनिया में टेक्निकलिटी समझ ली है, सब कुछ समझ लिया है, पढ़ाई समझ लिया, करियर समझ लिया, स्टेटस समझ लिया, लेकिन मैं अपना मानव तंत्र समझी ही नहीं. अगर मैंने मानव को समझा है तो मी टू इक्वल टू मेरा कंपैशन हो जाएगा. मैम अभियान की बात चली थी और एक अभियान आपके जो पति हैं श्रीराम डाल्टन जी वो भी चला रहे हैं. झारखंड में जो जंगल हैं धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और पूरे देश में जो स्थिति है जल जंगल और जमीन की उसे लेकर पैदल यात्रा पर निकले थे. किस तरह से इस अभियान को आपका सहयोग रहता है और जो एक काम जो एक इनिशिएटिव श्रीराम डाल्टन जी ने लिया है उस अभियान को लेकर क्या विचार रखती हैं आप? एक्चुअली ये जो जल जंगल वाला जो मामला है वो सच में बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर जो स्थिति है दिल्ली में आप देखिए ऑक्सीजन सेंटर बन रहा है. मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे पिछले 1990 से पानी की दिक्कत है. हम लगातार खेती जो जमीन है उसको काट के और घर बनाना चाहते, केवल घर घर और घर. हमने हवा को दूषित कर दिया, पानी को दूषित कर दिया, हमने जंगल काट डाला, हमने धरती को बीमार कर दिया, हम खुद भी बीमार हो गए. हमने घर में सामान बढ़ा लिया है, बीमारियों को भी बढ़ा लिया है अपने, मतलब इतना कुछ हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें थी उनको हमने इतना सुपर डिसहार्मनी में ला के अपनी जीवन की परेशानियां बढ़ा ली हैं. हमने बहुत चीज़ों को, पूरा इकोसिस्टम हमने कहीं ना कहीं हैरान कर दिया है. और आज जो टेम्परेचर है बम्बई में, कहाँ 25-26 डिग्री होता था, आज 34-38 डिग्री टेम्परेचर मुंबई का है. तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बहुत डिसहार्मनी हुई है, चीज़ों का सिस्टम बैलेंस ख़राब हुआ है. और श्रीराम पिछले 4 सालों से एक सिनेमा कर रहे हैं स्प्रिंग थंडर, जिस कहानी का पूरा मसला भी यही था कि डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, आज के इस विकास के दौर में खुद को बचाए रखने की कवायद. तो ऐसा हमको क्यों लगता है कि ये जो जंगल है या जो ये हवा है या जो भी हमें प्रकृति ने दिया कि हम उसे नष्ट कर दें, उसके बाद पीछे के लोग जो आएंगे वो अपना समझे, ये तो नहीं है ना. और लगातार हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम लोग हाशिए पे होते जा रहे हैं. आप देखिए अभी मुंबई में पानी कटौती है, हर जगह पानी की प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इंदौर में भी मैं देख रही हूँ कि पानी इश्यूज हैं. तो अभी भी शायद थोड़ा समय हमें चेतने की ज़रूरत है. और श्री राम ने जब ये यात्रा करने की सोची तो मैं तो थोड़ा वो थी क्योंकि डिफ़िकल्ट है, तुम अकेले जा रहे हो, बहुत आदमी व्यक्तिगत हो जाता है. ये वैसा ही मसला था कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं दूसरे के घर में, चीज़ें बदले लेकिन तुमको करने की क्या ज़रूरत है. लेकिन कहीं ना कहीं किसी एक आदमी को तो आगे आना ही है. तो ठीक है, श्री राम ही सही. और वो निकला मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और ख़ुद को समझाना, बच्चे, लाइबिलिटीज़ और बहुत सारा कुछ. जब वो चला ही गया तो अभी कोई नहीं, वो जाए और अपने इस मिशन को अच्छे से पूरा करे. इस दौरान उसने यात्रा 12 सितंबर को पूरी कर ली और तकरीबन वो लाखों लोगों से मिला इस बीच, और अपनी सिनेमा की बात भी कहता गया और एक सार्थक काम भी करता गया. मुझे उम्मीद है कि न जाने जितने भी स्कूल में जो बच्चों से मिले हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ, अगर 5 बच्चे ने भी समझा होगा इस बात को तो चीज़ें ज़रूर बदलेंगी. तो क्या होता है, मैं और एक बात कह रही हूँ कि हम लोग जो लोग हैं हमें लगता है जनसंख्या बढ़ गई है, हमें छोड़कर सब जनसंख्या दिखाई देता है. जनसंख्या का मामला नहीं, अगर ऐसा होगा तो बच्चा तो पैदा होगा तो टिफ़िन लेकर पैदा हो जाएगा क्या? किसी ने बोला कि बच्चा पैदा होगा तो क्या टिफ़िन लेकर पैदा होगा? ऐसा नहीं होगा. माँ स्वतः स्फूर्त उसके लिए दूध बनाती है. तो प्रकृति हमारे लिए बिल्कुल माँ की तरह, वो हमारी पूरी तैयारी करके आती है. तो अगर उसे इतना हमने हरास किया तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जल जंगल जमीन के प्रति रिपे की भावना रखें और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें. मैम चलते चलते अंतिम सवाल ये है कि देश के ऐसे हजारों युवा हैं जो हमारे इस जो है टॉक शो के माध्यम से आप जैसी शख्सियतों से मिलते हैं, निश्चित रूप से बॉलीवुड में करियर बनाने वाले, गायकी में करियर बनाने वाले, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप वही गाइएगा, आप वही बजाइएगा जो आपका एक्सपर्टीज है. और जो हमारा एक्सपर्टीज नहीं है उसमें हम ना जाए. जैसे कि मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा और सब कुछ किया पर उतना
उसके प्रति मेरा वो क्या बोलते हैं श्रद्धा भाव सब कुछ रहा, पर डेडिकेशन नहीं रहा. पर मेरे खून में बड़ा फोक था, तो मुझे अभी लगता है कि मैंने जो इंडियन क्लासिकल सीखा इसलिए सीखा कि मैं अपने लोकगीतों को थोड़ा और सुंदर तरीके से गा पाऊँ. तो मैं अपने उन सभी भाई बहन दोस्त अपने हम उम्र के लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप संगीत में वाकई कुछ करना चाहते हैं तो जो आपकी एक्सपर्टीज है आपके गाने की, हो सकता है कि वो आपके मांड होंगे, हीर होंगे, भोजपुरी होंगे, आपके पता नहीं क्या होंगे, हो सकता है शास्त्रीय होंगे, गजल होंगे, सूफी होगी, तो जो आपकी खासियत होगी उसमें आगे बढ़िए. जैसे कि मैं अपने गांव देहात के गीतों के लिए काम कर रही हूँ, तो यकीन मानिए जो जितना देशज है उतना ग्लोबल है, जो जितना लोकल है उतना ग्लोबल है. तो मैं यही कहूँगी कि आप एक तो कभी उदास नहीं होने का है, दूसरा कि मौका सबके लिए है, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते हैं. ये बहुत पुरानी लाइन है लेकिन मैं सच कहती हूँ कि बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विंटर हमेशा स्प्रिंग में बदलता है. ये सालों से, हजारों सालों से होता रहा है, तो ये तो होगा. मतलब मैं ये कहूँगी कि आप जो भी करें पूरे दिल से करें और आपके लिए रास्ता बना होगा. अभी जैसे इंदौर जैसे शहर में आपका टैलेंटेड के माध्यम से कितने कुछ बातें, कितना कुछ इन्फॉर्मेशन, टैलेंट इंडिया है जो कि लोगों को कितने तरह का मंच दे सकता है. जैसे इंदौर में भी मैंने सुना कुछ 33 घंटे का गाने का कार्यक्रम हुआ. तो हर जगह इस तरीके के छोटे बड़े बहुत सारे मंच हैं. और अभी सोशल मीडिया है जहाँ पे आप अपने आप को किसी के मोहताज नहीं है, अपने गाने बनाइए, अपने म्यूजिक को, अपने संगीत को भर दीजिए. तो ये थी बॉलीवुड गायिका मेघा श्रीराम डाल्टन, जिन्होंने संगीत के सफर के बारे में अपने विचार रखे. साथ ही साथ देश में तमाम सारी जो समस्याएं हैं, देश में आज हम जिन चीज़ों को कहीं ना कहीं सामने से फेस करते हैं, तमाम सारी चीज़ों को बदलने के लिए किस तरह से हम आगे आ सकते हैं, इस बारे में भी अपनी बात रखी. हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातें निश्चित रूप से समाज के उस वर्ग तक पहुंचेगी. और जिस उम्मीद के साथ बदलाव का एक सपना हम सभी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने में देश के आम नागरिक का भी इसी तरह से सहयोग मिलेगा. बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही. और अधिक खबरों के लिए और अधिक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया.